इंग्लिश का मॉक 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर हमारे पास ये पैसेज है और यहाँ पर ये क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्यूटीफुल स्टांजा आर फ्रॉम, ब्यूटीफुल स्टांजा कहाँ पर है? माई चाइल्डहुड से डेज, माई चाइल्डहुड डेज से है, या फिर द सॉलिटरी कोको से है, या फिर सॉलिड सॉलिटरी रेपर रेपर से है, द लॉस्ट लेबर। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि विलियम वर्ड्स वर्थ यहाँ पर लिखा है, तो इसका जो पोएम थी तो द सॉलिटरी रेपर्स ये था, इसे हम कर देंगे। नेक्स्ट है द पोएट्स लैमेंट इन द पोएम इज दैट, पोएट क्या चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए, लैमेंट क्या करना चाह रहा है कि ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग, ये समझ नहीं पाया, ही डिड नॉट नो द लास्ट लेस, या फिर शी अडॉप्टेड सिंगिंग एट वंस, ही हैड टू मूव अवे। तो यहाँ पर लास्ट के दो में कन्फ्यूजन है, तो हम यहाँ पर हम इसे ही हैड टू मूव अवे कर देते फिलहाल। द गिवन पोएम इज नरेटिव पोएम सेट टू म्यूजिक, दिस फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, म्यूजिक में ये रखी हुई है तो इसे क्या कहते हैं? तो ऐसी म्यूजिक के तौर पे जो पोएम सेट की हुई थी उसे बैलेट कहते हैं, बैलेट कर देंगे। उसके बाद इन दिस पोएम टू होम डज द पोएट सेज स्टॉप हियर और जेंटली पास, किसे कह रहा है पोएम में कि स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो हम यहाँ पर देखेंगे स्टॉप हियर और जेंटली पास यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास, तो हर सेल्फ लिखा हुआ है तो हिमसेल्फ आ रहा है यहाँ पर। टू द पीपल कटिंग कॉर्न, द पीपल हु मेक नॉइस, टू ऑल द पासर्स बाय, तो हिमसेल्फ कर देते अभी फिलहाल। नेक्स्ट है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, सेंट्रल आइडिया क्या है? वेल संग सॉन्ग गिव्स अस हैप्पीनेस, मेलोडियस साउंड अपील्स टू ऑल, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस गिव्स अस लाइफ लॉन्ग प्लेजर, रीपर्स कैन सिंग लाइक बर्ड्स, तो रीपर कैन सिंग लाइक बर्ड ये कर देते हैं हम, क्योंकि ये सिंग यहाँ पर आ रहा है। रीपर क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, तो ये कर देंगे अभी फिलहाल। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज इन अरेबिया हेबराइड्स स्कॉटलैंड इंग्लैंड, फिलहाल इंग्लैंड कर देते इसे और इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट है द स्टेप ऑफ इवेल्यूशन अप्रोचेस आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस चेंज ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ द अबव, स्टेप ऑफ इवेल्यूशन इसमें से अप्रोच क्या है? तो यहाँ से हम ऑल कर देते हैं फिलहाल, अभी नेक्स्ट करेंगे। द वर्ड लैंग्वेज हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन संस्कृत ग्रीक पर्शियन, लैंग्वेज ये वर्ड कहाँ से डिराइव लिया हुआ है? तो ये इंग्लिश वर्ड डिराइव फ्रॉम संस्कृत वाया लैटिन ग्रीक, तो संस्कृत हम कर देते फिलहाल। नेक्स्ट है अ रिहर्ट्रिकल क्वेश्चन इज आस्ट, रिहर्ट्रिकल क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है? तभी फिलहाल हम यहाँ पर टू गेट अ फीडबैक अबाउट व्हाट अदर थिंग्स अबाउट इज योर स्पीच राइटिंग कर देंगे। नेक्स्ट है विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंड एप्लीकेशन इवेल्युएशन, इसमें से कौन से डोमेन की कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑर्डर थिंकिंग? जुलाई सीटेट जुलाई 2013 में आया था, तो ये ज़्यादातर तो क्रिएटिंग इसमें आता है, रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो हम इसे इवेल्यूएशन कर देंगे, क्रिएटिंग या फिर इवेल्यूएशन दोनों में से जो भी आया, हायर ऑर्डर थिंकिंग इवेल्यूएशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट प्रॉमिस टोन, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट्स, रीडिंग विथ कॉन्फिडेंस, द प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन, इसमें से प्रॉमिस टोन कौन सा नहीं है?
हम रीडिंग विथ कॉन्फिडेंस से पढ़ना, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल, प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन, इफेक्ट ऑफ लोकल डायलेक्ट, ये कर देते अभी फिलहाल, नेक्स्ट करेंगे। इंग्लिश इन इंडिया इज लैंग्वेज यूज फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, फॉर प्रेस्टीज सिंबल, फॉर एक्सेसिंग क्वालिटी लिटरेचर, ऑल ऑफ द अबव। तो इंडिया में इंग्लिश जो है ये यूज किस तरह से होती है, वाइडर कम्युनिकेशन को प्रेस्टीज सिंबल की तरह। एक हिसाब से तो इंडिया में लिंक लैंग्वेज है जो कि प्रेस्टीज सिंबल फॉर एक्सेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, वाइडर कम्युनिकेशन। तो हम इसे फिलहाल अभी ऑल कर देते हैं, नेक्स्ट करेंगे। व्हाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स जनरली फेस इनहिबिशन, कॉन्फिडेंस, फियर, साइकोसिस, ए एंड बी। तो इसे हम कॉन्फिडेंस और जो दूसरा है फियर, साइकोसिस, फर्स्ट टाइम बोलने में स्टूडेंट जनरली क्या फेस करते हैं, कॉन्फिडेंस तो नहीं करते, इनहिबिशन कर देते हैं हम, इनहिबिशन, नेक्स्ट करेंगे। एक्शन चेन इज वन ऑफ द वे टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग, कन्वर्जेशन। तो कन्वर्जेशन करेंगे। नेक्स्ट है फोनिक मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस टू साउंड, फोनिक साउंड से बनाए तो साउंड। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस, अपोजिट एंड मीनिंग वर्ब्स एंड नाउंस यूजिंग सिनोनिम एंड और इओफेमेसिम्स। तो वर्ड फॉर्मेशन में कंपाउंडिंग और अफिक्सेस कर देते हैं हम फिलहाल, कंपाउंड और अफिक्सेस इज इक्वल टू प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। ये आया था सीटेट जुलाई 2013 में, इसका कंपाउंडिंग और अफिक्सेस था। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ बायलैंग्वेल अप्रोच इन सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम इज दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट असम्पशन मोर इजीली, देर इज लेस डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट गेन कॉन्फिडेंस इन मदर टंग, स्टूडेंट स्टॉप देयर मदर टंग टू ऑल टूगेदर। तो इसमें से दो लैंग्वेज पढ़ाने का क्या सेकेंड क्लासरूम में क्या मकसद है, कॉन्फिडेंस आना मदर टंग में के लेस डिस्ट्रैक्शन होना, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट मोर इजीली, ये फर्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्लेस, तो रोल प्ले का मकसद ये कि इम्प्रूव करना कम्युनिकेटिव कॉन्फिडेंस, इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशंसी व्हाट इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। लैंग्वेज प्रोफिशंसी होने में क्या जरूरी नहीं इसमें से, इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशंसी विच वन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड, एफिशियंसी, अप्रोप्रियसी, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी। सीटेट फेब 2015 में आया था जिसमें हम इफिशियंसी कर देंगे, इफिशियंसी नॉट रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अप्रोप्रिएसी और एक्यूरेसी फ्लुएंसी है। एनसीएफ 2005 के हिसाब से लर्निंग ऑफ इंग्लिश क्या एम करता है, इनेबल करने नॉलेज एक्विजिशन, लिटरेसी और डेवलपमेंट में एब्स्ट्रैक्ट से, या सब्स्यूम करना लैंग्वेज को चाइल्ड एक्वायर्ड नेचुरली जो सोसाइटी से जो मिलता है उसे, इंट्रोड्यूस करना स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इंग्लिश की तरह रिलेटेड इम्पेयरमेंट में, या फिर प्रोवाइड करना एडुकेट फैसिलिटी स्टेट लेवल पे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो फर्स्ट करेंगे इनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इंटू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। नेक्स्ट है नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम में, स्टडी स्किल इसमें क्या होती है, स्टोर करने, समराइजिंग, रिट्राइविंग या गैदरिंग। ये क्वेश्चन आया था सीटेट नवंबर 2012 में जिसमें था स्टोरिंग, स्टोरिंग नोट्स कैन बी मेड फॉर स्टडी स्किल में स्टोर होने में मदद करता है ये फ्लो चार्ट में और वेब ड्राइविंग। तो स्टोरिंग है, समराइजिंग, रिट्राइविंग, गैदरिंग नहीं है, समराइज करना, रिट्राइव करना, गैदर नहीं, स्टोर करना नोट्स, फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्निंग डिफिकल्टी इन स्टूडेंट इन टर्म ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, तो पुअर मेमोरी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रिहेंसिव पावर भी स्टूडेंट का है, फेलियर टू ट्रांसफर नॉलेज भी स्टूडेंट का है, लैक ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ नॉलेज स्टूडेंट का नहीं, सोर्सेस और कॉलेज का प्रॉब्लम है।
करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम विच डज नॉट स्टेट द मीन्स ऑफ इवेल्युएशन वेदर दिस एजुकेशनल एंड्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट द लेसन प्लानिंग डिटेल्स ऑफ द टॉपिक द एजुकेशनल पर्पस ऑफ प्रोग्राम द कंटेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच विल बी नेसेसरी टू अचीव द पर्पस। तो करिकुलम जो है निसाब जो होता है वो एजुकेशनल प्रोग्राम है जो क्या स्टेट नहीं करता। मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन एजुकेशनल एंड हैव बीन अचीव्ड और नॉट ये तो करेंगे वो। द लेसन प्लान डिटेल ऑफ द टॉपिक एजुकेशनल पर्पस ऑफ प्रोग्राम क्यों एजुकेशन पर्पस है प्रोग्राम का। द कंटेंट टीचिंग स्टडीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विच विल बी नेसेसरी फॉर अचीव हिज पर्पस तो फर्स्ट और सेकेंड तो रहेगा, दो में कन्फ्यूजन है। लेसन प्लानिंग डिटेल तो लेसन प्लान तो टीचर को बनाना होगा तो इस हिसाब से हम सेकंड कर देते भी फिलहाल। नेक्स्ट है व्हाइल लर्निंग अ लैंग्वेज द डैश इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ रेफरेंस मटेरियल एंड इमीडिएट फीडबैक अबाउट द अचीवमेंट प्रोग्राम कंप्यूटर एडेड डायरेक्ट और डिस्टेंस। जब पढ़ रहे हैं किसी लैंग्वेज को तो उसमें से इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड होती है अपॉर्चुनिटी के तौर पर इंडिपेंडेंट स्टडी में वाइड रेंज होता है उसमें रेफरेंस मटेरियल का और इमीडिएट फीडबैक हम दे सकते हैं अचीवमेंट में तो कंप्यूटर एडिट करना है कि कंप्यूटर एडिट में हो सकती है। सीटेट फरवरी 2014 में यह सवाल आया था तो इसे हम कंप्यूटर एडिट करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इस प्रोसेस विच रिफ्लेक्स रीडिंग स्किल लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग। स्टूडेंट जिसको ब्रेनस्टॉर्म करना है आइडिया ऑर्गेनाइज करना है ड्राफ्ट और एडिट करना है तो ये आएगा राइटिंग स्किल के अंदर तो हम इसे राइटिंग स्किल कर देंगे। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज इज इक्वल टू राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट करेंगे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम विद इंटेंसिव सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज इज रेफर्ड टू एज रिमेडियल कोचिंग रिविजन सेशन एडवांस स्टडी प्रोग्राम्स इंट्रोडक्टरी कोर्स। इंडिविजुअलाइज जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है तो वो इंटेंसिव सपोर्ट करता है हेल्प करने स्टूडेंट को कंसोलिडेट करने उनके बेसिक नॉलेज उसे क्या कहा गया है। सीटेट सितंबर 2014 में क्वेश्चन आया था जिसमें रिमेडियल कोचिंग हम लेंगे उसका जवाब था रिमेडियल कोचिंग। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग डायरेक्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड बायलैंग्वेज मेथड ऑल ऑफ दिस। सेंटेंस यूनिट ऑफ टीचिंग किस मेथड में आता है रीड 2015 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। इसे फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड कर देंगे डायरेक्ट मेथड करके आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है तो नेचुरल मेथड उसे कहते हैं डायरेक्ट और नेचुरल। नेक्स्ट है हाउ विल अ टीचर बेस्ट टीच राइटिंग स्किल टू अ क्लास बाय आस्किंग स्टूडेंट टू राइट नीटली थ्रू डिक्टेशन by asking students to learn article and write them by brainstorming ideas and asking students to write their own words। तो राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव कराई जा सकती है कि स्टूडेंट को कहने के अच्छे से लिखो या फिर डिक्टेशन करवाकर। सीटेट 6 जैन 2022 को यह आया था। थ्रो डिक्टेशन इमला नवेसी करके या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न आर्टिकल और आर्टिकल देकर उसे बार बार लिखने या फिर बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज एंड आस्किंग स्टूडेंट टू रीराइट देयर ओन वर्ड्स। तो हम इसे राइट लास्ट कर देते फिलहाल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज और उन्हें कहना कि खुद के वर्ड्स में लिखिए। नेक्स्ट है डीकोडिंग स्टैंड्स फॉर डेसिफाइरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ओनली रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंट साउंड फेलियर टू अंडरस्टैंड गिवन टेक्स्ट पासिंग ऑन अ मैसेज टू अदर। तो डीकोडिंग का मतलब क्या पास करना नहीं है मैसेज फेलियर टू अंडरस्टैंड नहीं है उसी तरह से ओनली रिकॉग्नाइज डिफरेंसेज बिटवीन नहीं है। सीटेट फरवरी 2015 में ये क्वेश्चन आया था जिसका आंसर है कि डेसिफेयरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस।
तो ये हमारा 12 मिनट्स बच गए थे, फिर भी ये ख़त्म हो गया जल्दी से, तो हमारी इस पर अच्छी एक्यूरेसी आ गई। अब हम इसे एंड करके देखेंगे कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है यानी मार्क्स में, तो हमारे 22 करेक्ट आए हैं और 8 इनकरेक्ट है, वो हम देखेंगे कौन से इनकरेक्ट है नेक्स्ट वीडियो में।